हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ इक्विपोटेंशियल। चैप्टर नंबर वन का ये जो टॉपिक है, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे अकॉर्डिंग। ये कंसेप्ट आपको आना चाहिए, तो मैं इसमें 5 स्टार डाल देता हूँ, कंसेप्ट ऑफ इक्विपोटेंशियल। ठीक है, अब ध्यान से देखना इसमें मैं क्या क्या बात करने वाला हूँ। सपोज करो आपके पास एक, मैं ब्रिज का स्ट्रक्चर ऐसा फॉर्म कर देता हूँ आपके लिए, ये ब्रिज का स्ट्रक्चर फॉर्म कर दिया। एक ब्रिज का स्ट्रक्चर फॉर्म कर दिया, ठीक है। अब एक ब्रिज का स्ट्रक्चर फॉर्म किया, एक और मैं ब्रिज का स्ट्रक्चर आपके लिए फॉर्म करता हूँ। गुड फॉर्म में बनाता जी। ये आर और ये आर, ठीक है। ये भी एक ब्रिज है, ये सब आर, ये आर और ये आर, ठीक। अगर मैं किसी से पूछूं कि ये दोनों ब्रिज बैलेंस है या नहीं, अगर कि मेरा क्वेश्चन ये हो किसी से कि ये ब्रिज जो है वो बैलेंस है या नहीं है, ऐसा मेरा क्वेश्चन हो किसी से, तो क्या लगता है आपको, आपका क्या आंसर होगा? ये फिगर ए है और फिगर बी है, दोनों में से कौन सा बैलेंस ब्रिज है और कौन सा बैलेंस ब्रिज नहीं है? अगर आपका आंसर ये है कि दोनों बैलेंस ब्रिज है, तो आपका आंसर गलत है। और आपका आंसर ये है कि दोनों में से कोई भी बैलेंस ब्रिज नहीं है, तो भी आंसर गलत है। समझ में क्या बोल रहा हूँ? दोनों बैलेंस ब्रिज है तो भी गलत आंसर है, दोनों बैलेंस ब्रिज नहीं है तो भी आपके पास गलत आंसर है। एक्चुअली जब तक कि मैं आपको ये ना बताऊं, जब तक कि मैं ये ना बताऊं कि मैं किस जगह से सीन करने वाला हूं, तब तक आप बैलेंस ब्रिज नहीं बता सकते। मतलब अगर मैं बोल रहा हूं कि देखो ये ए बी टर्मिनल है, द ए बी टर्मिनल, ये आपके पास इस जगह से आप देख रहे हो आर ए बी, तो ये सोर्स हो गया आर ए बी, आप देख रहे हो तो ये हो गया सोर्स, ये सोर्स टर्मिनल हो गया, और ये टर्मिनल हो गया लोड, ये लोड हो गया। तो अगर लोड, ये ब्रिज का फॉर्म है, अगर लोड अपोजिट है सोर्स से, तो अगर ये आर बाई आर का रेशियो आर बाई आर के बराबर है, तो ये है बैलेंस ब्रिज। ये सोर्स है और लोड जो होना चाहिए वो अपोजिट होना चाहिए फ्रॉम द सोर्स। अगर मैं बोल दूं यहां पे किसी को कि देखो मैं ए और ये बी यहां ले रहा हूं, ये ए है ये बी है और ये आर ए बी यहां से मैं देख रहा हूं आर ए बी, अब ये सोर्स हो गया और इन्हीं टर्मिनल से लोड कनेक्टेड हो गया, तो लोड अपोजिट नहीं है, लोड तो उसी जगह पे जहां पे सोर्स है, तो ये बैलेंस ब्रिज का कंसेप्ट नहीं होता है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि आर बाई आर इज इक्वल टू आर बाई आर, ऐसा बोल ही नहीं सकते, इज द रॉन्ग कंसेप्ट। इसका मतलब ये हुआ कि लोड जो होना चाहिए वो सोर्स टर्मिनल से अपोजिट होना चाहिए, सोर्स टर्मिनल से कनेक्टेड नहीं हो सकता। अब इसका मीनिंग और भी समझना, ठीक है, देखना ध्यान से। अब क्या होता है कि यहां से मैं देख रहा हूं आर बाई आर का रेशियो इक्वल टू आर बाई आर है, यहां पे बिल्कुल वैलिड है, आर बाई आर इज इक्वल टू आर बाई आर, बैलेंस ब्रिज, यस ये बैलेंस ब्रिज है। और अगर ये बैलेंस ब्रिज है, अगर ये बैलेंस ब्रिज है, तो यहां करंट जीरो फ्लो होगा, और किसी रेजिस्टेंस में करंट जीरो होने का मतलब है इसका वोल्टेज जीरो वोल्ट होगा। किसी रेजिस्टेंस में अगर करंट जीरो है आपके पास, इसका मतलब है कि उसका वोल्टेज भी कितना होगा, जीरो वोल्ट होगा, ठीक है। अब अगर मैं बोल रहा हूं कि देखो आर ए बी आपको निकालना है, करंट जीरो है, करंट जीरो मतलब ये होता है कंसेप्ट ऑफ ओपन सर्किट, और करंट जीरो वोल्ट होता है इसका मतलब कंसेप्ट ऑफ शॉर्ट सर्किट। पूरी बात ध्यान से सुनना, फिर मैं सेकंड फिगर में भी आता हूं। अगर मैं पहले फिगर में, अगर मैं ओपन सर्किट के कंसेप्ट को यूज कर रहा हूं, मैं बोलूँ कि देखो ये ओपन सर्किट का कंसेप्ट है, और अगर मैं इसको ओपन कर दूं इस टर्मिनल को, सी ओ डी टर्मिनल सपोज करो, ए बी ए है, इसको सी मान रहा हूं और इसको डी मान रहा हूं, और सी ओ डी टर्मिनल को अगर मैं ओपन कर दे रहा हूं, तो फिगर कैसे होगा? फिगर ये होगा कि ये देखो ये एक आर कनेक्टेड था, ये एक आर कनेक्टेड है, यहां से एक आर कनेक्टेड है, ये एक नोड सी हुआ, ये एक नोड डी हुआ, और बीच में ओपन हो गया, ये एक आर है, ये एक आर है, दिस वन ओपन हो चुका है, ये देखो यहां से,
ये ए है, ये बी है, और यहाँ से आप देख रहे हो कि आर ए बी कितना होगा। ठीक है, अब मेरे को पता है कि यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा यहाँ पे ए से सी के बीच में, वही करंट सी से बी के बीच में फ्लो होगा। यस, जो करंट ए से डी में फ्लो हो रहा है इस आर में, वही करंट डी से बी में फ्लो होगा। ये दोनों सीरीज हुआ तो इसकी वैल्यू हो गई 2R, और ये दोनों सीरीज में हुआ तो इसकी वैल्यू हो गई 2R। और जब मैं यहां से सीन कर रहा हूं तो ये 2R और ये 2R पैरेलल में कनेक्टेड है, तो 2R पैरेलल विद 2R, तो आंसर विल बी R। वैसे भी एक बैलेंस ब्रिज में अगर सभी पांचों रेजिस्टेंस इंक्लूडिंग लोड सब के सब अगर R हो तो उसका रिजल्टेंट R होता है। अब देखना, ये तो हो गया आपके पास कि मैं ओपन कर दिया इस जगह पे, तो कंसेप्ट आप ओपन सर्किट देखा कि COD टर्मिनल के बीच में करंट फ्लो नहीं हो रहा था, जीरो कर दिया। अब अगर मैं बोलूं कि कंसेप्ट ऑफ शॉर्ट सर्किट, कंसेप्ट ऑफ शॉर्ट सर्किट, अगर मैं बोल रहा हूं कि करंट जीरो है तो वोल्टेज भी जीरो होगा, तो ये आपके पास आर हुआ, ये आर हुआ, और आप बोल रहे हो कि ये शॉर्ट सर्किट लाइन है COD, और इसके नीचे ये COD, ये है आर, और आर ये नीचे बी है, ये ऊपर ए है, और आप बोल रहे हो कि ठीक है यहां से आपको देखना है आर ए बी कितना है। तो ध्यान से अगर आप देखो, इसके ऊपर ये आर और आर है, ये आर और आर का पैरेलल हो गया क्योंकि सी डी आपके पास है शॉर्ट सर्किटेड, तो आर पैरेलल विद आर, और नीचे भी आर पैरेलल विद आर है। तो जब आर पैरेलल विद आर है तो ऊपर तो आर बाई टू हो गया, ऊपर आर बाई टू हो गया, और नीचे भी आर बाई टू हो गया, और दोनों सीरीज में कनेक्टेड हो गए। तो आर बाई टू और आर बाई टू एड हो गया, ऊपर आर बाई टू है क्योंकि आर और आर का पैरेलल, नीचे भी आर बाई टू है, दोनों एड होके आंसर कितना हो गया, आर हो गया। अब इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ इक्विपोटेंशियल। ध्यान से सुनते रहना ना, कंसेप्ट ऑफ इक्विपोटेंशियल ई डॉट पी, इधर कंसेप्ट ऑफ इक्विपोटेंशियल। क्यों? क्योंकि ये जो वायर दिख रहा है ये एक पॉइंट का फॉर्म ले लेगा, क्योंकि दोनों ही पॉइंट सेम है, COD के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। तो फिगर कैसे हुआ, ये ए पॉइंट था यहां पे आपके पास, ए पॉइंट्स के बीच में अगर मैं बोल रहा हूं यहां पे एक रेजिस्टेंस है आपके पास आर, यहां पे एक रेजिस्टेंस है आर, और ये जो पॉइंट है COD इसको बोलते हैं इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स, क्योंकि दोनों पॉइंट्स एक ही जगह पे है, क्योंकि दोनों एक शॉर्ट सर्किट लाइन से रिप्लेस है, तो दोनों का नोड जो है वो सेम है। अब इस सी टर्मिनल से एक आर जा रहा है और एक डी टर्मिनल से भी आर जा रहा है, दोनों बी से कनेक्टेड है, दोनों बी से कनेक्टेड है, दिस वन, ये दोनों बी से कनेक्टेड है, दिस वन, ये आर, ये आर, ये आर, और ये आर, दिस वन। अब अगर आप यहां से देख रहे हो तो इसको बोलते हैं इक्विपोटेंशियल पॉइंट। ये देखो COD इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स पे आ गया आपके पास, आगे इक्विपोटेंशियल पॉइंट पे। तो ये देखो R और R का पैरेलल जो है वो R बाई टू हो गया, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि देखो ये R बाई टू हो गया, COD इक्विपोटेंशियल पॉइंट थे उसके ऊपर R बाई टू हो गया, ऊपर A है, COD के नीचे भी R बाई टू है क्योंकि नीचे B पॉइंट है, R बाई टू है। आप यहां से खड़े होकर देख रहे हो कि कितना है आर ए बी, तो आर बाई टू प्लस आर बाई टू ही लिखा है आंसर आर। तो इक्विपोटेंशियल का कंसेप्ट कहां से आया, वो यहां से आया कि आपके पास ये दोनों पॉइंट के बीच में जो करंट जीरो था, रेजिस्टेंस में ड्रॉप जीरो था, तो ये इक्विपोटेंशियल का पॉइंट आया। और भी, और अब इक्विपोटेंशियल के पॉइंट्स को कैसे कंसिडर करते हो, अगर दो पॉइंट्स इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स अगर आप बोल रहे हो, ये दो पॉइंट्स अगर इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स बोल रहे हो और आपको सीन करना है AOD से, तो आपके पास सी टर्मिनल से और डी टर्मिनल से दोनों ना सेम होना चाहिए ए के लिए, दोनों ही पॉइंट से ए का जो डिस्टेंस है विथ रिस्पेक्ट टू रेजिस्टेंस, ये आर और ये टू आर होता तो नहीं, ये टू आर होता तो भी चलता है, ये आर और आर है तो भी चल रहा है। इसका मतलब है कि ये पॉइंट सी से ए का और डी से ए का, ये अगर आपके पास सेम है, और अगर सी से बी पॉइंट्स पे और डी से बी पॉइंट्स पे दोनों ही पॉइंट से जो दो सीन पोजीशन है, दोनों से ही अगर आपके पास सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बन रहा है, मिरर इमेज बन रहा है, तो अगर आप बोल रहे हो कि सी और डी दोनों ही पॉइंट से दोनों ही एक समान ए पे जा रहे हैं, दोनों ही उसे छोड़ो, दोनों ही यहां पे बी पे एक पॉइंट से आ रहे हैं, तो ये COD इक्विपोटेंशियल पॉइंट होगा। ऐसा नहीं कि ये दोनों आर है तो ये भी दोनों आर होना चाहिए, अगर COD को आप बी पॉइंट पे देख रहे हो तो अगर ये टू आर है तो ये भी टू आर होता तो भी इक्विपोटेंशियल पॉइंट होता, ये दोनों आर है और ये दोनों टू आर है तो भी इक्विपोटेंशियल पॉइंट होता है, क्योंकि COD को जब बी पे देख रहे हो तो दोनों सेम है और ए पे देख रहे हो तो दोनों सेम है, तो इसको बोलते हैं इक्विपोटेंशियल पॉइंट। ऐसे इक्विपोटेंशियल पॉइंट का कंसेप्ट क्रिएट होता है, और जब देखा गया कि इस पॉइंट पे जब आप करंट निकालते हो इस जगह पे, तो COD का पोटेंशियल सेम आता है और यहां पे करंट हमेशा जीरो फ्लो होता है, इसको बोलते हैं बैलेंस ब्रिज की कंडीशंस। बट जो लोड टर्मिनल होना चाहिए वो सोर्स टर्मिनल के अपोजिट होना चाहिए।
तो ये बहुत ही गुड कंसेप्ट है कि दो पॉइंट को अगर आप इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स बोल रहे हो, तो दो पॉइंट्स को अगर इक्विपोटेंशियल पॉइंट बोल रहे हो तो गुड कंसेप्ट में आपको दिखना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय इक्विपोटेंशियल पॉइंट। सी और डी टर्मिनल जो है वो दोनों से ए पॉइंट पे एकदम सेम डिस्टेंस सेम रेजिस्टेंस के साथ पाथ होना चाहिए, और सी और डी पॉइंट पे बी टर्मिनल, क्योंकि हम ए बी से निकाल रहे हैं तो बी टर्मिनल पे सेम डिस्टेंस सेम रेजिस्टेंस के साथ पाथ होना चाहिए, तो ये पॉइंट्स इक्विपोटेंशियल होंगे। और भी बात करने वाला हूं अभी मैं, ठीक है। सपोज करो किसी को ये सब नहीं पता, किसी को बैलेंस ब्रिज का कंसेप्ट नहीं पता, ठीक है, किसी को बैलेंस ब्रिज का कंसेप्ट नहीं पता, तो उस केस में क्या होगा, ठीक है। ये अब बैलेंस ब्रिज का कंसेप्ट किसी को नहीं पता और ए बी टर्मिनल पे मेरे को फाइंड आउट करना है, तो फिर तो मेरे पास यहां पे एक ये डेल्टा टू स्टार नेटवर्क में कन्वर्ट होने वाला है। डेल्टा टू स्टार नेटवर्क में अगर मैं कन्वर्ट करने वाला हूं, अब कोई कंसेप्ट नहीं बोला, कोई बैलेंस नहीं, नॉर्मल, तो यहां पर कितना रजिस्टेंस होगा और यहां पर कितना होगा और यहां पर कितना होगा। यहां पे देखो आपके पास जब डेल्टा नेटवर्क में सब रेजिस्टेंस सेम होते हैं तो ये होता है डिवाइड बाय थ्री, तो आर बाय थ्री, आर बाय थ्री और आर बाय थ्री होगा दिस वन। इसका मतलब ये हो गया कि इक्विवेलेंट वाइज अगर मैं यही बना देता हूं, स्पेस यहां से हटा देता हूं, इसी को बना रहा हूं, तो मैं बोल रहा हूं कि देखो फिगर कैसे बन रहा है, फिगर बन रहा है आर बाय थ्री, फिगर बन रहा है आर बाय थ्री, फिगर बन रहा है आर बाय थ्री। देखो स्टार नेटवर्क बन गया आर बाय थ्री, आर बाय थ्री और आर बाय थ्री, ये तीन रेजिस्टेंस गए। अब आप देखना ध्यान से, नीचे हुआ 2R, नीचे बचे 2R, ये बचे 2R, ये R और ये R, ये पॉइंट से A पॉइंट से और नीचे वाला पॉइंट जो है वो B पॉइंट से। अब हम ध्यान से देख रहे हैं कि हम यहां से खड़े हैं, हमको दिखा कि यहां जो करंट जाएगा वो यहां पे भी फ्लो होगा, इसका मतलब ये दोनों सीरीज में है, तो R बाई थ्री प्लस R कितना हो गया 4R बाई थ्री, ठीक है। R बाई थ्री और R आपके पास दोनों में करंट सेम फ्लो होगा, तो किसमें कनेक्टेड हो गया 4R बाई थ्री, ये 4R बाई थ्री और ये 4R बाई थ्री पैरेलल में है, तो आंसर यहां बना रहा हूं, यहां ये R बाई थ्री हुआ, ये पॉइंट्स, ये पॉइंट और 4R बाई थ्री और 4R बाई थ्री पैरेलल में है, तो रिजल्टेंट कितना हो गया 4R बाई थ्री और 4R बाई थ्री का पैरेलल कितना हो गया 2R बाई थ्री, और ऊपर कितना था R बाई थ्री, ये ए बी पॉइंट्स, ये ए पॉइंट्स, और अगर मैं बोल रहा हूं कि देखो यहां से R ए बी की वैल्यू देखो, तो R AB की वैल्यू R बाई थ्री और 2R बाई थ्री, 3R बाई थ्री हो गया, आंसर विल बी R। थ्री मेथड से मैं सॉल्व किया, सेम ऐसा आप यहां पे भी अप्लाई कर सकते थे बट मैं यहां पे अप्लाई किया, तो थ्री मेथड से मैं सॉल्व किया। मैं पहला बोला कि देखो बैलेंस ब्रिज है, बैलेंस ब्रिज क्यों है ये बताया, ओपन सर्किट के कंसेप्ट को यूज किया, शॉर्ट सर्किट के कंसेप्ट को इक्विपोटेंशियल का कंसेप्ट बोला जाता है ये भी बताया, फिर मैं बोला कि अगर ये आपको नहीं पता था तो आप डेल्टा टू स्टार में कन्वर्ट करते तो भी वही आंसर आता, तो आंसर कितना आ गया आर आ गया, ठीक। चलो ओके, अब मैं बोल रहा हूं कि ठीक है ये, अब सपोज करो किसी को मैं बोलूं कि देखो ए बी टर्मिनल से आप फाइंड आउट कर रहे हो, इस आर को क्या आप ऐसा लिख सकते हो, इस आर को क्या आप लिख सकते हो कि ये टू आर और ये टू आर है, क्या ऐसा लिखा जा सकता है, यस, ये 2R और 2R क्या लिखा जा सकता है, देखो लिख लिया 2R और 2R का पैरेलल हो गया। मैं किसी को बोलूं कि अगर मैं लाइन ऑफ सिमेट्री को यूज करना चाहता हूं, देखते रहेगा बहुत सारी बात कर देता हूं मैं आपके लिए, अगर मैं लाइन ऑफ सिमेट्री को यूज करना चाहता हूं और यहां से एक लाइन ऑफ सिमेट्री ले रहा हूं, इसको बोलते परपेंडिकुलर सिमेट्री, आर ए बी ये है, इसको बोलते परपेंडिकुलर सिमेट्री, और परपेंडिकुलर सिमेट्री में आप ना कट कर सकते हैं, बट परपेंडिकुलर सिमेट्री को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। परपेंडिकुलर सिमेट्री में एकदम हम कट मारते हैं, बट जब हम कट मारते हैं तो वो फिगर ना मिरर इमेज होना चाहिए और ए के ऊपर जितना है उतना ही बी के नीचे होना चाहिए, क्योंकि आप ए बी से निकाल रहे हो, तो ये एकदम सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो क्या इस लाइन के ऊपर और इस लाइन के नीचे क्या सेम है, इस लाइन के ऊपर जो ए है उस लाइन के नीचे क्या बी है, यस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अगर इस लाइन को अगर मैं बोल दूं कि देखो ये मैं एक आपके पास कट मार रहा हूं, तो कट मारने का मतलब कैसे हुआ देखना, ध्यान से देखना, ये हुआ ये एक लाइन कट मारा, शॉर्ट सर्किट लाइन, कट मतलब शॉर्ट सर्किट लाइन, ये हुआ R, ये हुआ R, ये हुआ 2R, ये 2R। अब जैसे कट मारा तो इस पॉइंट को आप C बोल दो, इस पॉइंट को भी C बोल दो, क्योंकि ये तो लाइन है, लाइन दोनों पॉइंट तो सेम ही होंगे, इसको बोल दो A बोल दो, ठीक है। इसका मतलब है सी पॉइंट्स, तो अपन ना आर ए सी निकाल लेते, आर ए सी निकाल लेते बोला। इसका मतलब ये हुआ कि ये A पॉइंट से A से C के बीच में ये C है, ये C है, तो एक R AC निकलेगा,
और RAC अगर निकल गया तो CCB का भी वैसा ही सेम निकलेगा। इसका मतलब है कि RAC और RCB की वैल्यू सेम होगी, ये तो कंफर्म है। RAC इक्वल टू RCB, आपको एक निकालना है और दोनों को ऐड कर देना है, तो आपका आंसर हो जाएगा यहां से RAB। तो आप RAC निकालने जा रहे हैं, बट इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ये तो शॉर्ट सर्किट लाइन है, तो इसलिए शॉर्ट सर्किट हो गया, तो फिगर कैसे बचा? एक R बचा, ये शॉर्ट सर्किट लाइन हुआ और ये R हो गया, और जो शॉर्ट सर्किट लाइन है उससे C बाहर निकाल लो, ये R हो गया, ये R हो गया और ये A हो गया। R और R का पैरेलल कितना हो गया? R बाई टू। इसका मतलब है RAC की वैल्यू R बाई टू है। ये निकला आपके पास एक लाइन ऑफ सिमेट्री, एक परपेंडिकुलर सिमेट्री था, जो AB टर्मिनल से आप देख रहे थे उससे एक परपेंडिकुलर सिमेट्री लिया। बट इंपॉर्टेंट ये है कि इस लाइन के ऊपर और नीचे मिरर इमेज होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो ऊपर R बाई टू था, अगर ऊपर R बाई टू था तो नीचे भी बिंदासी से R बाई टू लिखो और दोनों को ऐड करके आप बोलो R बाई टू प्लस R बाई टू का एडिशन R है। R बाई टू प्लस R बाई टू का एडिशन कितना है? R है। कितने मेथड से सॉल्व किया हमें? 4 मेथड से सॉल्व किया। एक बैलेंस ब्रिज में ओपन किया, बैलेंस ब्रिज में शॉर्ट किया, दैट मींस द इक्विपोटेंशियल कांसेप्ट। फिर थर्ड पॉइंट पे गया और मैं बोला कि चलो डेल्टा टू स्टार कन्वर्ट कर लो। फोर्थ पॉइंट में गया कि देखो एक आपके पास लाइन ऑफ सिमेट्री लो, एक परपेंडिकुलर सिमेट्री लो, इसको कट कर देते हैं हम, जिस लाइन से कट कर देते हैं एक फिगर कट हो जाता है, एक शॉर्ट सर्किट लाइन से रिप्लेस कर देते हैं कट को। अगर ये पैरेलल में है तो शॉर्ट सर्किट हो गया, नहीं होता तो नहीं होता। अब ये हो गया, उसके ऊपर और नीचे एकदम सेम है, इस लाइन के ऊपर और नीचे सेम है, तो आंसर आ रहा है। चार तरीके से सॉल्व किया। अब देखना, ठीक है, सेकंड वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं कि देखो ये जो है ये बैलेंस ब्रिज नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस टर्मिनल में सोर्स टर्मिनल है, जहां से हम आर ए भी निकाल रहे, वहीं पे लोड टर्मिनल है, तो लोड और सोर्स टर्मिनल तो सेम हो गया भाई। एस यू आर सोर्स इक्वल टू लोड टर्मिनल हो गया। इसका मतलब है कंसेप्ट ऑफ ब्रिज कंसेप्ट या बैलेंस ब्रिज कंसेप्ट इज नॉट अप्लीकेबल हियर। और वैसे भी आप सोचो ना, यहां से कोई करंट आएगा तो यहां जीरो क्यों होगा? वैसे भी अगर मैं यहां से खड़ा होकर देखना चालू करूं, ध्यान से देखना, खड़ा होकर देखना चालू करूं तो बताओ यहां पे जो करंट है वो करंट यहां है कि नहीं? इसका मतलब आर और आर का पैरेलल, आर और आर का सीरीज कितना है? 2R। यहां जो करंट है वो करंट है कि नहीं? सेम। यहां जो करंट है वो करंट यहां पे भी, तो ये भी कितना है? 2R। अगर मैं बोल रहा हूं कि चलो अगर मैं ब्रिज की बात ही नहीं करता और इस क्वेश्चन को नॉर्मल सॉल्व करता तो कैसे सॉल्व करते? इस क्वेश्चन को अगर मैं नॉर्मल सॉल्व करता तो फिर उस केस में कैसे होता ये? उस केस में ये ऐसे होता कि ये ए पॉइंट था, यहां पे आपके पास जो बी पॉइंट है ये बीच में एक आर लगा हुआ है, ये बी पॉइंट्स है, ठीक है, ये ए पॉइंट्स, ये बी पॉइंट्स, बीच में आर लगा है, ये जो है 2R हुआ, ये जो हुआ 2R हुआ, ये जो हुआ 2R हुआ, दिस वन, ये देखो 2R, ये 2R, और आप यहां से खड़े होकर देख रहे हो आर ए में, ये तो सिंपल हो गया। कैसे सिंपल हो गया? 2R और 2R का पैरेलल R होता है, और R का पैरेलल R बाई टू होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर R बाई टू है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो R बाई टू है। बोला क्यों? इसमें कोई बैलेंस, कोई ब्रिज का कंसेप्ट ही नहीं है, ये बैलेंस ब्रिज अनबैलेंस ब्रिज की बात ही नहीं है, क्योंकि सोर्स और लोड टर्मिनल सेम है। लोड टर्मिनल हमेशा अपोजिट होना चाहिए सोर्स टर्मिनल का, तब अपन देखते हैं कि ब्रिज बैलेंस है कि नहीं है। अब ये तो आंसर हो गया और आर बाय टू आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को और तरीके से मैं देखता हूं, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि क्यों ना इक्विपोटेंशियल के कंसेप्ट को अपन यूज करें क्या? इक्विपोटेंशियल का कंसेप्ट मतलब यहां दो पॉइंट्स हैं, यहां दो पॉइंट्स, अलग बात है कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, नहीं है भाई, ये सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है, और मैं किसी को बोलूं कि इक्विपोटेंशियल पॉइंट के कंसेप्ट को देखते हैं, अलग बात है कि यहां पे आपके पास नहीं है कोई टर्मिनल कनेक्टेड नहीं है। देखो सी पॉइंट्स और डी पॉइंट से डिस्टेंस ए का देखो सेम एकदम आर और आर, और दोनों का बी से जो डिस्टेंस है वो भी सेम है, तो सी और डी को अगर मैं इक्विपोटेंशियल पॉइंट लेके सॉल्व करूं, सी और डी को, ये तो सॉल्व हो गया। दूसरा तरीका यूज करने जा रहा हूं, सी और डी टर्मिनल को अगर मैं इक्विपोटेंशियल का पॉइंट कंसिडर करूं और उसके बाद अगर मैं सॉल्व करने जाऊं तो कैसे होगा? ये है आपके पास, यहां पे अगर मैं बोलूं कि चलो यहां पे आपके पास जो है वो ए है, ये ए, ए से सी का आर, ए से सी के बीच में आर कनेक्टेड है, और डी के बीच में भी, ए से डी के बीच में भी, तो सी कॉमा डी हो गया, ये आर हो गया, दो आर पैरेलल में हो गया, क्योंकि आप सी और डी को इक्विपोटेंशियल पॉइंट बोल रहे हो। यहां देखो सी ओ डी को इक्विपोटेंशियल पॉइंट बोल रहे हो अगर आप, तो सी ओ डी से ए का डिस्टेंस और सी ओ डी से बी का डिस्टेंस सेम है, तो सी ओ डी से देखो ध्यान से, ध्यान से देखना, ये बी है, इसमें भी आर है, ये आर और ये आर। अब अगर मैं बोल रहा हूं कि ठीक है ए से बी के बीच में भी कनेक्टेड है क्या? यस, ये आर कनेक्टेड है। इसको सॉल्व करो और अच्छे से सॉल्व करो। दो आर का पैरेलल कितना हो गया? आर बाई टू। ये सी ओ डी पॉइंट है जिसको आप इक्विपोटेंशियल पॉइंट बोले, तो एक पॉइंट मान लिया अपन, ये गुड कंसेप्ट होता है ऐसा सोचना, ऐसा देखना। ये देखो आपके पास ये भी R बाई टू हो गया, ये B पॉइंट्स है, ये दोनों के बीच में एक R कनेक्टेड है ना,
अब आर बाई टू और आर बाई टू सीरीज में, तो देखो आर हो गया, ये देखो ए और बी के बीच में एक आर कनेक्टेड है, ए और बी के बीच में एक आर कनेक्टेड है, ऊपर वाला आर अभी भी कनेक्टेड है, ऊपर वाला आर अभी भी कनेक्टेड है। तो बताओ इस जगह से अगर आप देख रहे हो कि आर ए बी कितना है, इस जगह से खड़े होकर देख रहे हो कि बताओ आर ए बी कितना है, आर ए बी की वैल्यू कितना है, तो आर पैरेलल विद आर, आर पैरेलल विद आर, आंसर कितना आर बाई टू। देखो आंसर आर बाई टू हो गया, इक्विपोटेंशियल के कंसेप्ट से नॉर्मली भी आर बाई टू आ गया था, नॉर्मली भी आर बाई टू आ गया था, ये अपना क्वेश्चन था। किसी को मैं बोलूं कि देखो क्या इसमें मैं सिमेट्री का कंसेप्ट लगा सकता हूं, परपेंडिकुलर सिमेट्री का कंसेप्ट लगा सकता हूं, ध्यान से देखना आप, परपेंडिकुलर सिमेट्री का कंसेप्ट क्या लगा सकता हूं, तो ये आर बाई टू हो गया, ये आर बाई टू हो गया, चलो ठीक है। अब अगर मैं बोल रहा हूं कि ठीक है ये आर बाई टू हो गया, ये ऊपर वाला आर बाई टू हो गया, क्यों ना मैं बोल दूं कि इस जगह पे सीओडी टर्मिनल पे इसको अगर मैं ये मान लूं कि सी ओ डी टर्मिनल को अगर मैं कट कर दूं, सी ओ डी टर्मिनल को कट कर दूं, तो क्या सी डी टर्मिनल के ऊपर और सी डी टर्मिनल के नीचे क्या सेम है? सी डी टर्मिनल के ऊपर ए है, सी डी टर्मिनल के नीचे बी है, ये सी ओ डी को अगर एक लाइन से कनेक्ट कर दूं, सी ओ डी को कट मारा, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर सिमेट्री, परपेंडिकुलर सिमेट्री, ध्यान देखना परपेंडिकुलर सिमेट्री, ठीक है करता हूं इसको कट मारता हूं, परपेंडिकुलर सिमेट्री से अगर मैं इसको कट कर दिया, परपेंडिकुलर सिमेट्री से अगर मैं इसको कट कर दिया बोला, तो क्या होगा? होगा ये कि ये आर हुआ, ये हुआ आर, ये हुआ आपके पास एक सिमेट्री का कट, ये हुआ आर बाई टू, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आर बाई टू, और ये क्या था आर, ये सी और ये डी टर्मिनल एक ही हो गया, सी इक्वल टू डी है तो ठीक है यहाँ, और ये आपके पास हो गया ए, नीचे भी सेम वैसे होगा, तो आर और आर का पैरेलल कितना हो गया आर बाई टू, और आर बाई टू और आर बाई टू का पैरेलल कितना हो गया आर बाई फोर, तो एक्चुअली आंसर ए टर्मिनल और बीच का जो सी टर्मिनल था, जिसको आप सी कॉमा डी भी बोल सकते हैं या सिंपल सी बोल सकते हैं, ये आर बाई फोर है, आर पैरेलल विद आर बाई टू, आर बाई टू पैरेलल विद आर बाई टू, आर बाई फोर। इसके नीचे भी क्या होगा? इसके नीचे भी सेम वही होगा जो आप सिमेट्रिक कट मार रहे हो, तो नीचे भी आर बाई फोर होगा, तो ये बी है, यहां से खड़े होके देखो सीन करो आर ए बी कितना होगा, तो आर बाई फोर प्लस आर बाई फोर आंसर विल बी आर बाई टू। देखो तीन मेथड से इसको भी सॉल्व किया, जबकि ये तो बैलेंस ब्रिज ही नहीं था, तो ब्रिज का कंसेप्ट ही नहीं था, बैलेंस या अनबैलेंस की बात ही नहीं थी, एक में परपेंडिकुलर सिमेट्री मारा, एक में नॉर्मली सॉल्व किया, एक में सी ओ डी को इक्विपोटेंशियल के पॉइंट से एज्यूम किया कि देखो सी ओ डी का जो पॉइंट है वो इक्विपोटेंशियल पॉइंट है, तीन तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, थ्री अप्रोच अप्लाई किया, देखो ध्यान से, तो भी आंसर कितना आया आर बाई टू आया, इतना बेहतरीन फॉर्म से आपको पता होना चाहिए। तो फिर मैं जब गुड कंसेप्ट की बात करूंगा, कुछ गुड क्वेश्चन लूंगा, तो अप्लाई करेंगे मजा आएगा, अच्छा मजा आएगा आपको, इसलिए फाइव स्टार भी डाला मैं। चलो एक और मैं लेता हूं, ध्यान से देखते रहना, एक और मैं लेता हूं, सपोज करो कि एक और मैं एक स्ट्रक्चर ले लेता हूं, देखा है तो क्लियर होगा, ठीक, तो चलो अब मैं थर्ड वाला आपके लिए एक और एक ब्रिज लेता हूं, आप बताना क्या लगता है आपको, ठीक है? ठीक, मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूं, सपोज करो ये पहला जैसा फिगर था एग्जैक्टली वैसे ही फिगर ड्रॉ कर रहा हूं, सिर्फ चेंज क्या करने वाला हूं, ध्यान से देखता हूं, सिर्फ चेंज जो करने वाला हूं, ये आर, ये आर, ये आर और ये आर। अगर मैं किसी को बोलूं कि बैलेंस है कि अनबैलेंस ब्रिज है, तो कुछ किसी को कुछ आंसर नहीं देना है, कब तक? जब तक मैं ये ना बताऊं कि मेरे को कहां से चाहिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, देखो यहां से चाहिए। अगर मेरे को यहां से, अगर आर ए बी अगर मेरे को यहां से फाइंड आउट करना है, तो ये ब्रिज का कंसेप्ट नहीं है, बिकॉज ये जो लोड टर्मिनल है वही सोर्स टर्मिनल के क्रॉस है, जहां से मेरे को फाइंड आउट करना वही तो आर लगा है, तो ये तो कुछ ब्रिज का कंसेप्ट ही नहीं हुआ, बैलेंस और अनबैलेंस। देखो आर से जो करंट जा रहा है वो करंट तो इस आर से भी जा रहा है, तो ऊपर तो टू आर हो गया, इस आर से जो करंट जा रहा है वो तो इस आर से भी करंट जाएगा, ये भी टू आर हो गया, तो फिगर कैसे बन गया? देखो फिगर ऐसे बन गया कि ये आर है ए बी टर्मिनल के बीच में, ये आर, और ऊपर जो है वो टू आर, अगर ध्यान से देखोगे तो ए और बी टर्मिनल के बीच में टू आर है, और अगर नीचे देखोगे तो ये आपके पास है टू आर, ये टू आर, इसका मतलब टू आर और टू आर का पैरेलल आर और आर का पैरेलल आर बाई टू, तो देखो ए और बी टर्मिनल के बीच में आर बाई टू आ गया, टू आर और टू आर का पैरेलल आर और आर और आर का पैरेलल आर बाई टू, दिस इज आंसर इज आर ए बी इक्वल टू आर बाई टू, आर बाई टू आंसर है इस क्वेश्चन का, अगर ये टर्मिनल ए बी। चल और भी बात करते हैं, अब अगर मैं बोल रहा हूं कि देखो ये तो सिंपली हम सॉल्व कर लिए,
अब अगर मैं किसी को ऐसा बोलूं कि क्यों ना ये जो सी टर्मिनल है, ये सपोज करो सी टर्मिनल है और ये डी टर्मिनल है, क्या ये इक्विपोटेंशियल टर्मिनल है? सीओडी को देखना और सीओडी दोनों को ए से देखो, तो डी में आर लगा है आर और सी में लगा है आर, इसलिए सीओडी अभी इक्विपोटेंशियल नहीं है। सी से बी में आर लगा है और सी से डी में आर लगा है, दैट मीन द इक्विपोटेंशियल पॉइंट। ये दोनों ही इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स अगर है, अगर सीओडी इक्विपोटेंशियल पॉइंट है, तो अपन कैसे करेंगे? ध्यान से देखना, ए से सी के बीच में आर कनेक्टेड है, ए से सी के बीच में आर कनेक्टेड है और सीओडी इक्विपोटेंशियल पॉइंट है, तो ए से डी के बीच में आर भी कनेक्टेड है। यस, चलो ठीक है। सी पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में एक आर कनेक्टेड है और डी पॉइंट, ये तो हो गया बी, और इसके बीच में भी आर कनेक्टेड है। अब ए से बी के बीच में एक आर कनेक्टेड है, ए से बी के बीच में एक आर कनेक्टेड है, दिस वन। ओके, ये आर बाय टू है, ये आर बाय टू है, तो ऐसे कैसे बना? ये आर बाय टू, यस, ये आर बाय टू, यस, ये बी पॉइंट्स, ये ए पॉइंट्स, और दोनों के बीच में आर। आर बाय टू और आर का सीरीज कॉम्बिनेशन आर, आर आर बाय टू और आर बाय टू का सीरीज कॉम्बिनेशन आर हो गया। चलो ठीक है, ये ए पॉइंट्स, ये बी पॉइंट्स, ये आर हो गया। नीचे कितना था? ए और बी के बीच में आर कनेक्टेड था। बताओ आर ए बी का आंसर, आर बाय टू, आर ए बी का आंसर आर बाय टू। ये सी ओ डी इक्विपोटेंशियल पॉइंट है। ठीक है, चलो दूसरा तरीका, एक और तरीका, दो ये सेकेंड हो गया। थर्ड में मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान रखते जाना, थर्ड में मैं क्या कर रहा हूं, ऐसे ज्यादा से ज्यादा आप बात करते जाओगे तो आपका कंसेप्ट, आपकी फीलिंग सब बेहतरीन होती जाएगी। अब ध्यान रखना मैं क्या करने वाला हूं। मैं बोल रहा हूं क्यों ना ये जो आर है इसको आर बाय टू और इसको आर बाय टू लिख दो, क्यों ना इसको आर बाय टू और इसको आर बाय टू लिख दो, और क्यों ना जो ए बी टर्मिनल है उसको बीच में से कट कर दो। तो ए बी टर्मिनल से अगर मैं बोलूं कि चलो ये लाइन ऑफ सिमेट्री ले लेता हूं, और ए बी टर्मिनल जहां से मेरे को निकालना है उसके बीच में से, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर सिमेट्री। क्या इसको मैं कट करूंगा? इसको अगर मैं कट करूंगा तो जो पोर्शन लेफ्ट का पोर्शन होगा टूवर्ड्स ए, वो राइट के टूवर्ड्स जो पोजिशन है बी, क्या वो दोनों मिरर इमेज बना रहे? यस, वो मिरर इमेज बना रहे। देखो ध्यान से, यस, मिरर इमेज बना रहे। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इस पॉइंट को, इसको शॉर्ट सर्किट लूंगा तो सीओडी तो वैसे भी इक्विपोटेंशियल पॉइंट है। कंसेप्ट कहां से आया? ये इसलिए आया क्योंकि सीओडी इक्विपोटेंशियल पॉइंट है। इस पॉइंट को मैं मिलाने वाला हूं, देखना क्या करने वाला हूं, मिलाने वाला हूं। ये इसको कट करना बोलते हैं परपेंडिकुलर सिमेट्री को। ये आर है, ये आर बाय टू है, इसको बोलते हैं ऐसा कट करना, और ये आर है। बोलने के लिए है कि ये सी और डी है, लेकिन इक्विपोटेंशियल पॉइंट है सी कॉमा डी है, ये इक्विपोटेंशियल पॉइंट है, इसलिए दोनों पॉइंट्स एक ही, इसलिए तो शॉर्ट सर्किट लाइन से रिप्लेस हो गया। ये आर बाय टू है, ये आर है और ये ए है। इसका मतलब है ए से सी के बीच में जो रेजिस्टेंस निकालूंगा वही रेजिस्टेंस सी से बी के बीच में होगा। तो इक्विवेलेंट कैसे हुआ? देखो ध्यान से देखना, ए से सी के बीच में अगर मैं देख रहा हूं कि ए से सी के बीच में क्या सब पॉइंट सेम है, तो देखो आर, आर बाय टू और आर सब पैरेलल में है। आर और आर का पैरेलल कितना हुआ? सब पैरेलल में, तीनों तीनों ही पैरेलल में है। आर और आर का पैरेलल आर बाय टू और आर बाय टू और आर बाय टू का पैरेलल आर बाय फोर। तो देखो ये पॉइंट जो है ना, जिसको आप सी ओ डी बोल सकते हो, चलेगा, ये आर बाय फोर। लेकिन यहां से भी तो आर बाय फोर होगा बी तक, क्योंकि ये तो लाइन ऑफ सिमेट्री है। इस लाइन के लेफ्ट में जितना है उतना ही राइट में है। एक सॉल्व किए, एक को लिख दिए, आर बाई फोर और आर बाई फोर, तो आर ए भी कितना आ गया? आर बाई फोर प्लस आर बाई फोर, मतलब आंसर कितना आ गया? आर बाई टू। देखो ये तीसरा तरीका इसको सॉल्व करने का, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर सिमेट्री, कट मार दिए बीच में से। और ये इक्विपोटेंशियल के कंसेप्ट का ही स्टाइल है, ये आपके पास सिमेट्री की बात करना, इक्विपोटेंशियल के कंसेप्ट का ही पॉइंट है बोला। तो मेरे को लगता है कि देखो मैं थ्री ब्रिज लिया और थ्री ब्रिज में इतनी सारी बात कर दिया, जब आप बिग क्वेश्चन में जाएंगे तो बिग क्वेश्चन में भी और बात करेंगे, तो मैं कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन लूंगा तो आपको अच्छा लगेगा। तो ये था मेरा कंसेप्ट ऑफ इक्विपोटेंशियल का पहला लेक्चर, और दूसरे लेक्चर में मैं और भी गुड क्वेश्चन लूंगा, बिग क्वेश्चन लूंगा, थोड़ा सा बड़ा फिगर लूंगा, और डिस्कशन जो होगा वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टाइप करेंगे, जिसमें आपके आपको लगेगा कि गुड पॉइंट है, और ऐसे गुड पॉइंट को आप बहुत अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे को लगता है आपको मजा आया होगा, इतनी सारी बात किया मैं, आपको थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा। तीनों ही फिगर आप बनाएंगे, तीनों ही फिगर को आप वर्कआउट करेंगे, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा वर्कआउट करेंगे, फिर आप ना जब तक लिख के नहीं देखेंगे, जब तक आप खुद नहीं सोचेंगे, उतना मजा नहीं आएगा। तो आप लिख के देखो, खुद सोच के देखो, आपको गुड मजा आएगा। तो ये था मेरा कंसेप्ट ऑफ इक्विपोटेंशियल का पॉइंट, और कैसे हम सेलेक्ट करते हैं, ये आपको समझ आया। तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंसेप्ट ऑफ इक्विपोटेंशियल में कुछ गुड क्वेश्चन लेने वाला हूं। ठीक है, ओके।